हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, स्मार्ट के सब ज्ञान यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि IRCTC की टिकट में बोर्डिंग पॉइंट कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर अपनी टिकट का बोर्डिंग पॉइंट कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना क्यों जरूरी है, दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मान लीजिए आप कहीं से जर्नी कर रहे हैं, कोई स्टेशन से आपने टिकट बुक किया है, मान लीजिए उस स्टेशन से आप उस ट्रेन को नहीं पकड़ रहे हैं, आगे जाके 2 या 3 4 स्टेशन पर पकड़ रहे हैं उस ट्रेन को, तो दोस्तों आपको बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना जरूरी है। या दोस्तों आप जिस स्टेशन से ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं वहां से आपको सीट मतलब खाली नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आप पीछे अगर 2 3 4 स्टेशन से अगर आपको खाली मिल रहा है तो दोस्तों आपको बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना जरूरी है। IRCTC ने अभी कुछ दिन पहले अपनी वेबसाइट नई लॉन्च की थी, तो दोस्तों उस वेबसाइट पर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपनी ट्रेन टिकट का बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी एक ट्रेन की टिकट बनाई और मुझे इसका बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना है, तो दोस्तों मैंने सोचा कि ये वीडियो मुझे बना लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको IRCTC वेबसाइट टाइप करना है, जो कि आपको पता है IRCTC.co.in। जैसे दोस्तों आप इसे लॉगिन करेंगे, आपको यहाँ पर दोस्तों लॉगिन पर जाना है और मैं यहाँ पर फटाफट अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल देता हूँ। आप दोस्तों मैंने अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल दिया और इस प्रकार का एक इंटरफेस खुल चुका है। दोस्तों अब आपको जाना है यहाँ पर माई अकाउंट पर, दोस्तों ये दिख रहा होगा आपको, माई अकाउंट पर करना है क्लिक। आप जैसे ही माई अकाउंट पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो सेकंड नंबर का ऑप्शन आ रहा है माई ट्रांजेक्शन, आपको जाना है माई ट्रांजेक्शन पर, फिर दिखा हुआ है नीचे बुक टिकट हिस्ट्री, दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपकी टिकट यहाँ पर ओपन होके आ जाएगी, दोस्तों ये जो भी आपकी टिकट होगी वो ओपन होके आ जाएगी। मेरी ये टिकट आ चुकी है जिसे मैंने अभी बुक किया है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इस पर एक क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपकी पूरी ट्रेन की जानकारी जितनी भी है पूरी यहाँ पर शो होके आ जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों आपको जाना है नीचे, दोस्तों देखिए अलग अलग ऑप्शन है, ऑप्शन विकल्प ट्रेन चेंज बोर्डिंग पॉइंट कैंसल टिकट, यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हैं, गेट PNR स्टेटस प्रिंट ई टिकट एंड गेट SMS, सब चीज़ की आप यहाँ से दे सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं चेंज बोर्डिंग पॉइंट, तो दोस्तों ये 2 नंबर का चेंज बोर्डिंग पॉइंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये टिकट मैंने जोधपुर से बना ली थी और मुझे दोस्तों अब करना है जयपुर, तो दोस्तों मैं जयपुर को क्लिक कर देता हूँ और ये लिख आ रहा है डू यू वॉन्ट टू प्रोसेस द बोर्डिंग पॉइंट चेंज रिक्वेस्ट फॉर न्यू बोर्डिंग स्टेशन जयपुर, तो मैं बोल रहा हूँ ओके, तो दोस्तों आपको करना है ओके। और ओके करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको मैसेज शो होके आ जाएगा सक्सेस, बोर्डिंग पॉइंट हैज बीन चेंज सक्सेसफुल। अब दोस्तों आप इसे जयपुर में ट्रेन को पकड़ सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों आपने इस ट्रेन में बोर्डिंग पॉइंट चेंज नहीं किया, मान लीजिए जोधपुर ही रहने दिया, तो दोस्तों अगर आप जयपुर में इस ट्रेन को पकड़ेंगे तो आपकी टिकट वहां तक कैंसिल हो जाएगी, तो दोस्तों ऐसा गलती आप मत कीजिए, इस प्रकार आप बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो अगर हमारा आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्किल में भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने स्मार्ट सब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय शुभ।